सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल के और एक फ्रेश एपिसोड में। और हमेशा की तरह संडे स्पेशल एपिसोड में हम लोग सब्सक्राइबर्स से कमेंट्स लेते हैं, तो इस बार भी कुछ कमेंट्स ले रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो भी कमेंट्स में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं सुबह से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोपहर को अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप सभी को पता है कि अभी एंडिंग की जो लीग मैचेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टॉप फोर में आने के लिए काफ़ी सारे कंटेंडेंट है, जैसे कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, अभी बांग्लादेश का पता नहीं क्या करेगा क्या, लेकिन पाकिस्तान, और कल पाकिस्तान जीत गया था, और अगर आज इंग्लैंड हार जाता है तो बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, लगभग इंग्लैंड तो बाहर हो जाएगा। और एक चीज़ यार अच्छी लगती है कि जब भी मतलब इंग्लैंड के कंट्री में ही, उनके खुद के कंट्री में, अगर उनके खुद के स्टेडियम पे जब भी सब जगह पे जब इंडियन फ्लैग्स हमें नज़र आएंगे उनके मैच में, तो यार वो जो नज़ारा रहेगा ना वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा। आई होप इस बार भी इंडिया अनबीटेबल रहना चाहिए फाइनल तक, देखते हैं कैसा होता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं पहले कमेंट से, और पहला कमेंट है सजत का, और वो बोलते हैं कि वन प्लस सेवन प्रो और एस टेन प्लस में किसका डिस्प्ले बेटर है। एक्चुअली वन प्लस सेवन प्रो का जो डिस्प्ले है वो ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले है, जैसे कि आपने कमेंट में कहा था, और एस टेन प्लस का जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन सेवन प्रो के डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, इसलिए वो काफ़ी स्मूथ स्क्रोलिंग हो जाती है, जबकि जो एस टेन प्लस का डिस्प्ले है उसमें 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सेवन प्रो का डिस्प्ले बेटर है एज कम्पेयर टू एस टेन प्लस, लेकिन अभी ये खुद के चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेवन प्रो का डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा कर्व है एज कम्पेयर टू एस टेन प्लस। तो अभी आपको कैसा डिस्प्ले पसंद है, अगर आपको ज़्यादा कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप सेवन प्रो के साथ जा सकते हो, अगर आपको एस टेन की तरह नॉर्मल कर्व पसंद है, थोड़ा सा स्लाइटली कर्व रहेगा तो चलेगा, तो डेफिनेटली एस टेन प्लस भी अच्छा है। दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एस टेन प्लस आता है प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी में और वन प्लस सेवन प्रो आता है फ्लैगशिप कैटेगरी में, तो ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल है वो है तानाजी का है, और वो बोलते हैं कि ऑनर प्ले 14 के अभी मिल रहा है तो वो ले लूँ क्या। एक्चुअली अभी मैं आपको ऑनर प्ले सजेस्ट नहीं करूँगा तानाजी भाई, क्योंकि ऑनर प्ले में का कैमरा इतना अच्छा नहीं है जितना मैंने टेस्ट किया हुआ था। उससे अच्छा कैमरा आपको रेडमी नोट 7 प्रो में भी मिल जाएगा, या फिर आप रियलमी 3 प्रो भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से रेडमी 7 प्रो जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है एज़ कम्पेयर टू ऑनर प्ले। हाँ, ऑनर प्ले में आपको कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती है, लेकिन टेक्निकली उसका कैमरा मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं आपको फ़ोन अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। सुल्तान भाई बोलते हैं कि ओप्पो रेनो 10X 256 GB ले लूँ या फिर वन प्लस सेवन प्रो ले लूँ। ओप्पो मिल रहा है 35,000 में, वन प्लस सेवन प्रो मिल रहा है 42,000 में 256 GB का वेरिएंट। अभी आपको दोनों ही फ़ोन अगर सेकेंड हैंड में 35 और 42 में मिल रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 7 प्रो आप ले लो, 7 प्रो बेटर रहेगा। अगर आपको जूम करके फ़ोटो निकालने का शौक है तो आप ओप्पो रिनो ले सकते हो, लेकिन पता नहीं ओप्पो रिनो आगे जाके कितने अपडेट्स दे देगा, अपडेट्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3-4 महीने के बाद फ़ोन चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मुझे पर्सनली वो कलर वाइज बिल्कुल पसंद नहीं आता जो ओप्पो और वीवो यूज़ करती है, तो इसलिए मैं कभी ओप्पो के फ़ोन ट्राई नहीं किया। एक दो बार ओप्पो के फ़ोन ट्राई किया हुआ था, लेकिन मुझे वो कलर वाइज बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तो आपको प्रीफर करूँगा, अगर मैं आपकी जगह होता हूँ मैं डेफिनेटली वन प्लस सेवन प्रो के साथ चला जाता। अमित शर्मा बोलते हैं कि वन प्लस सेवन का कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है एज़ कम्पेयर टू एसुस 6Z। वन प्लस सेवन वर्सेज एसुस 6Z, अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर दें तो डेफिनेटली एसुस 6Z का परफॉर्मेंस बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस सेवन, क्योंकि वन प्लस सेवन के काफ़ी सारे मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए हुए कि कैमरा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, काफ़ी सारे बूस्ट कलर कर देता है, या फिर आउट ऑफ द मतलब उसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो कुछ डिफरेंट सा ही नज़र आता है, कलर भी नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस नहीं करता, सैचुरेटेड कलर्स प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल सभी लोगों ने बोला है कि 6Z फ़ोन डेफिनेटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस सेवन, सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो। और भी काफ़ी सारे दोनों में डिफरेंसेस है, लेकिन सिर्फ अगर आपने कैमरा का क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं आपको बोल दूँ कि 6Z बेटर है। पार्थ भाई बोलते हैं कि 60 का भी कॉस्ट कम हो गया, 27,999 में मिल रहा है 828, तो लेना चाहिए क्या। अगर आपका बजट उतना ही रहेगा 27,000 तक, तो आप उस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा और पैसा डाल के आप वन प्लस सेवन या 6Z को भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपको वन प्लस के साथ ही जाना है तो डेफिनेटली ये अच्छी चॉइस है। अगर आपको ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका बजट उतना नहीं है और आपको 8GB वाला वेरिएंट चाहिए, हालांकि वन प्लस सेवन का 8GB वाला वेरिएंट और भी महंगा आता है, तो अगर आपको 8GB वाला वेरिएंट चाहिए तो डेफिनेटली आप वन प्लस 60 को कंसिडर कर सकते हो। आज भी काफ़ी अच्छा चलता है, मेरे पास भी 60 फ़ोन है, मेरा भाई यूज़ करता है, डेफिनेटली स्मूथ चलता है, अपडेट्स रेगुलरली मिलते हैं, 20 डेज के बाद ओपन बीटा अपडेट मिलता है, हर महीने उनका स्टेबल अपडेट मिलता है,
तो अपडेट्स के बारे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वन प्लस 5D को भी अभी तक अपडेट्स मिल रहे हैं, तो आपको अपडेट्स तो आखिर तक मिलते ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, सचिन ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि एप्पल 10R ले लूँ या फिर वन प्लस 7 Pro ले लूँ। भाई मैं एप्पल का तो कभी फ़ैन था ही नहीं क्योंकि उतने पैसे तो जेब में है ही नहीं कि एप्पल के फ़ोन 1-1 लाख के रुपये परचेस करूँ। लेकिन अगर 10R की बात करते हो तो 56,000 में कुछ मिलता है और वन प्लस 7 Pro भी उतने ही प्राइस में मिलता है। लेकिन मैं आपको वन प्लस 7 Pro सजेस्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, फास्ट चार्जिंग अच्छी मिल जाती है, कैमरा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है, और उसका उसका जो USB स्टोरेज है वो 3.1 यूज़ किया है, काफ़ी फास्ट है। तो डेफिनेटली 7 Pro एक काफ़ी अच्छा कैंडिडेट हो जाता है आपके लिए, आपको अगर थोड़ा वो 2 साल और मतलब फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ेगा तो। 10R 720 या फिर उनका कुछ 860 वाला डिस्प्ले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपको एप्पल का ब्रांड नेम सबको दिखाना है तो फिर आप 10R ले सकते हो। जेडी जोन्स भाई बोलते हैं कि बहुत दिनों के बाद नेक्स्ट फ़ोन कौन सा ले रहे हो। जोन्स भाई यार नेक्स्ट फ़ोन का भी मैंने सोचा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने लास्ट 2 महीने में कोई भी नया फ़ोन परचेस नहीं किया हूँ। इसका एक रीज़न ऐसा है कि थोड़ा काम भी बढ़ गया था और दूसरी चीज़ ऐसी है कि मैंने जितने भी मैंने लास्ट 5-6 महीने में मैं खुद को ही ऑब्जर्व कर रहा था कि जितने भी फ़ोन्स मैंने परचेस किए हुए थे उसके ऊपर मैं ढंग से अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पाया। ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे पता है मेरी गलती क्या है कि जो वीडियोज़ आने चाहिए थे वो नहीं आए वीडियोज़। और मैं एक फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन तक खुद के पास रखता हूँ क्योंकि उसके बाद अगर मैं बेचने चला जाऊँ तो काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम 15 से 20 दिन ही कोई भी एक फ़ोन मेरे पास रखता हूँ और उतने में मैं उतने जो वीडियोज़ है क्वालिटी वीडियोज़ वो नहीं बना सका, इसलिए मैंने ये 2 महीने में कोई फ़ोन लिया नहीं था। आगे जाके देखेंगे कि कोई कौन सा मार्केट में नया फ़ोन आता है और फिर उस तरह मैं कोशिश करूँगा कि वो फ़ोन्स सब्सक्राइबर्स को लाने के लिए। शिवम भाई बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ओप्पो रेनो 10X 7 Pro के साथ कैमरा कैसा रहेगा। ओप्पो 10X तो अच्छा है शिवम भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा दिक्कत सिर्फ कलर ओएस से, जो वो लोग यूज़ करते हो। अगर आपको कलर ओएस से कोई भी दिक्कत नहीं तो आप डेफिनेटली फ़ोन ले सकते हो। लेकिन यार ये ओप्पो वीवो मतलब अभी वन प्लस भी चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन डेटा शेयर बहुत करते हैं, बहुत कंप्लेंट्स हैं उनके। और आप देखोगे तो मतलब काफ़ी सारे ऐसा ऑप्शंस आपको उधर मिलेंगे कि जिधर से पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा शेयर होता रहेगा। इसलिए मुझे पर्सनली ओप्पो और वीवो पसंद नहीं है और कलर ओएस उसमें से और एक चीज़ है। लेकिन अगर दोनों के इसमें कंपैरिजन करना ही है तो मैं डेफिनेटली वन प्लस 7 Pro के साथ जाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है वन प्लस 7 Pro में। और ये तो एक्चुअली लास्ट सवाल, कुछ ज़्यादा सवाल लिए नहीं क्योंकि अभी मैच भी स्टार्ट होने वाला है और सबको भी मैच भी देखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।